हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ऑड ड्रिंक्स पर। मैं नेहा अग्रवाल आज आप सभी के साथ एक नए रिसर्च के ऊपर बात करने वाली हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं सड़कों और उसके गड्ढों के बारे में, कैसे वो एक बढ़ती हुई मुश्किल बनते जा रही है। ये सड़कों के गड्ढे हमारी गाड़ियों को हानि पहुँचाता है, उसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं और कई गाड़ी चलाने वालों को तकलीफ पहुंचती है। पर सारे रोड के गड्ढे और रोड को ठीक करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा और उसमें काफ़ी खर्चा भी लग जाएगा। तो इस काम पर पिछले ही हफ्ते यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने ये की कि उन्होंने एक खोज निकाली है एक मदद के लिए जो इस पे एक काम आएगा। उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के इस्तेमाल किया है इस चीज़ पर, जो कि रोड के गड्ढों को ठीक कर सकता है। इस AI रोबोटिक्स का नाम है रोबोटिक्स 3D LTD। उन्होंने एक जॉइंट वेंचर के साथ ये काम शुरू किया है, उसका नाम A2E LTD है। ये उस कंपनी का नाम है जो कि रोड रिपेयर करने में काम आएगा। पाउलो पाउलोटी नामक एक इंसान यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के इस काम के चीफ टेक्नोलॉजी हेड बनने के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि वो डिवाइस इस रोड को गड्ढे को ढूंढ सकता है और वो कितना गहरा है वो गड्ढा, वो ये भी बता सकता है। ये आइडिया जो यूनिवर्सिटी ने ढूंढ के निकाला है, ये बहुत कामयाब आइडिया है और ये रोड मेंटेनेंस के काम में बहुत अच्छा काम आएगा। कई रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि ये सेल्फ रिपेयरिंग रोड्स को इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल फंड करेंगे। इसका में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिमहैंगन, ये चार यूनिवर्सिटी भी इस काम पर मिले हुए हैं और इस काम को करने में हेल्प कर रहे हैं। वो इस रोड्स को ड्रोन की मदद से देख रहे हैं और उस पर नज़र रख रहे हैं। वो गड्ढों को 3D एस्फल्ट प्रिंट से ठीक करेंगे। 3D एस्फल्ट प्रिंट क्या होती है? जब हम एक प्रिंटर से 3D प्रिंट्स निकालते हैं जो कि एक डायमेंशनल होता है, वो खाली एक पन्ने जैसा नहीं होता पर एक डायमेंशनल प्रिंट होता है जिसको आप छू भी सकते हैं। ये दोनों काम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत रुचि भी दे रहा है सबको रोड रिपेयर के काम में जिसे लगाया जाएगा। पर ये पूरा काम में कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अलग अलग क्षेत्रों और टाउन में इस्तेमाल करने में चुनौती है और अपॉर्चुनिटी भी है। एलियन डुनोयर जो कि ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड कंसल्टिंग एट SBD ऑटोमोटिव के हेड हैं, उन्होंने ये नोट किया है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स के समय ताकि वो सर्वे कर सके और मेंटेन कर सके। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें ये हार्डवेयर पहले से ही होता है, बस उसमें क्या करना होता है कि आपको उसके कैमरा को आगे लगाना होता है और उसमें GPS ऑन करनी होती है और वो काम करना शुरू कर देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में एक बहुत पावरफुल क्राउड सोर्सिंग बनेगा। जो एक चीज़ जो इसमें नहीं है, जिसे डुनोयर ने ये भी कहा है कि लोकल अथॉरिटीज़ के पास फंडिंग नहीं होना एक रोड मेंटेनेंस के लिए दिक्कत बन सकता है। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास आइडिया नहीं होना सबसे बड़ा दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उनके पास फंड्स ही नहीं होंगे एक काम के लिए। पर अगर वो इन रिपेयरिंग सिस्टम का प्राइस कम करेंगे तो वो उनके लिए भी चुनौती बन जाएगी। लोकल अथॉरिटीज़ को देने के लिए उनको सब चीज़ के लिए फंडिंग्स लानी होगी, सब चीज़ का प्राइस कम करना होगा ताकि वो लोकल अथॉरिटीज़ को ये सब प्रोवाइड कर सके। तो ये थी पॉट होल्स का सेल्फ रिपेयरिंग कि दो तरीके जिससे पॉट होल्स सेल्फ रिपेयर हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।